कॉम्बिनेशन में फर्क क्या है। जैसे ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि जैसे पांच है, ठीक है, पांच यस लाइट, फाइव लेटर्स, और अगर हम इससे बोले कि ग्रुप बनाओ दो दो का, तो ग्रुप में क्या होगा, एक में ए बी होगा, ठीक, में फिर ए सी होगा, फिर ए डी होगा, फिर ए ई होगा, फिर बी सी होगा, फिर बी डी होगा, फिर बी ई होगा, फिर सी डी होगा, फिर सी ई होगा, और लास्ट में डी ई होगा। ये हो गए तुम्हारे ग्रुप्स, ठीक है, और इसी को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन। लेकिन जब परम्यूटेशन की बात होगी तो ये सारे जो है ना, जैसे ए बी है और बी ए, ये दोनों दो अलग अलग काउंट होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर, मतलब ए बी एंड बी ए आर टू डिफरेंट थिंग हियर, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। ठीक है सर, तो ये ऑफ कोर्स नंबर ऑफ परमुटेशन जो होता है वो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से ज्यादा होगा। तो ज्यादा यहाँ पे तुम देख सकती हो कि हर एक का दो दो होगा, जैसे ए हाँ बी का, तो बेसिकली जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आया, जैसे अगर हम इसको 5C2 बोले, इंटू 2 फैक्टोरियल करेंगे तो नंबर ऑफ परमुटेशन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। तो जैसे मान लो कि इसका और एक एग्जांपल समझो, तो उसमें ना एक वीडियो में एग्जांपल दिया था आपने कि चौक 10 स्टूडेंट्स है और उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में करना है, तो जब चॉकलेट बांटनी हो और सेम चॉकलेट हो तो उसमें कॉम्बिनेशन होगा, बट अगर डिफरेंट चॉकलेट्स है और तीनों पोजीशन, मतलब तीनों बच्चों को अलग अलग चॉकलेट देनी है तो परम्यूटेशन होगा। वो वाला मुझे समझ नहीं आया कि जब अलग अलग चॉकलेट है तो उसमें हम कॉम्बिनेशन क्यों नहीं यूज कर रहे। क्योंकि क्योंकि मान लो अगर 10 स्टूडेंट है, उसमें से तुमने, जैसे मान लो 10 स्टूडेंट का नाम रख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 10 स्टूडेंट है, ठीक है। यस सर, तो 10 स्टूडेंट में से तुम किसी तीन को ही तो दोगे ना चॉकलेट, हाँ, कोई भी तीन का नाम बताओ। ABC, चलो कोई रैंडम लेते ना, जैसे ए डी एफ को दे रहे, ठीक ठीक है। है, तो अगर सेम चॉकलेट होगा तो एक एक दे के बात खत्म कर देंगे, हाँ, लेकिन अगर ये तीन चॉकलेट है, कॉम्बिनेशन ही लगेगा। हाँ, तो अगर सेम चॉकलेट है तो कॉम्बिनेशन हो गया, एक दिया और तो कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकते है ना। जैसे सेम चॉकलेट है, मान लो कि तीनों चॉकलेट एक ही है, तो किसी को कोई भी दो फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ लेकिन अगर चॉकलेट जो है ये है, एक 5 स्टार, एक कैडबरी, एक अमूल, ठीक है, हाँ सर, तो हम फिर 5 स्टार कैडबरी अमूल दे दिए, ठीक है, एडीएफ को। फिर हमने बोला कि कैडबरी इसको, 5 स्टार इसको और अमूल इसको दे देते हैं, अच्छा ठीक है, फिर हमने इसको बोला 5 स्टार इसको, अमूल इसको, कैडबरी इसको दे देते हैं। फिर हमने बोला कैडबरी इसको, अमूल इसको, 5 स्टार इसको दे देते हैं। फिर अमूल कैडबरी 5 स्टार इसको दे देते हैं, फिर अमूल 5 स्टार कैडबरी इसको दे देते हैं।
हाँ तो इसमें परम्यूटेशन लगेगा क्योंकि हाँ चॉकलेट्स का भी वो हो रहा है और बच्चों का भी हो रहा है। हाँ तो जैसे तीन बच्चे सेलेक्ट करने के रूल होते हैं, मतलब जो होता है 10C3, ठीक हाँ है, तो ये ग्रुप बनता, लेकिन हर ग्रुप में ये 3 फैक्टोरियल वे में ठीक और है, अरेंज हो सकता है। हाँ ठीक है, तो 10P3 जो होगा वो 10C3 का 3 फैक्टोरियल टाइम्स होगा, ठीक है। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। इसमें से कौन सा बताना है? सर एक बार सेकेंड डिस्कस कर लो। सेकंड बोलता है कि हाउ मेनी वेज देयर टू चूज 4 कार्ड्स ऑफ डिफरेंट सूट्स एंड डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। देखो, सूट्स भी डिफरेंट चाहिए और वैल्यू भी डिफरेंट चाहिए। तो जैसे मान लो कि अगर हम 52 है, तो जैसे कोई भी एक कार्ड खींच लो, ठीक है, वो पहला तो कोई भी ले सकते हैं, तो जैसे मान लो उसके लिए तो 52 तरीके होंगे। हाँ, 52, यस सर। अब हमें जो अगला वाला खींचना है ना, उसको सेम सूट का नहीं होना चाहिए। तो सूट का मतलब क्या होता है, 13 13 के तीन चार 38, कम यस सर। है ना, और ना ही तो सेम सूट का नहीं होना चाहिए। तो जैसे मान लो कि पहला वाला कार्ड जो है इस वाले सूट से निकल आया, तो उसके लिए तो बचता है 39 ऑप्शन सेकंड के बट इसमें लिए। से थ्री और उसमें मल्टीपल है। से एक और हटा देंगे, जो वैल्यू हमने इसकी वाली ली है वो भी नहीं लेनी है। यस सर। तो 38 बचा ना इसमें। सर तीन और माइनस करेंगे ना, जैसे अगर हमने फर्स्ट वाला वन चूज कर लिया है तो हाँ बाकी हाँ तीनों के सॉरी हाँ, लेंगे। तो तीनों में से एक एक हटाना पड़ेगा ना, तो 3 और माइनस करना पड़ेगा, 36, यस ठीक है। तो अब मान लो कि ये भी चूज हो गया इसमें से कोई, अब नेक्स्ट कार्ड में से बच गया तुम्हारे पास 12 12 24 बच गए, ठीक है। तो पहले ही हट गया था ना बाकी का। यस हाँ, सर। मतलब अब नेक्स्ट टाइम जो होगा इन दोनों में से कोई लेना है और दोनों वैल्यू नहीं लेनी है, तो 11 11 होगा, ठीक है, तो टोटल 22 हो गया, सर ठीक दोनों है। वाली नहीं लेनी है, मतलब जैसे मतलब 12 जो 12 लिया जो था। जो यहाँ का जो वैल्यू है वो भी नहीं लेना है, जो यहाँ का वैल्यू है वो भी नहीं लेना है, अच्छा ठीक है। तो सारा हटाना पड़ेगा। और फिर लास्ट के लिए जब हम ये हटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा सीधा 10। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि इंटरचेंजेबल है ना, तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट बताओ। थर्ड वाले में मुझे समझ नहीं आया, मतलब मुझे तो 5 फैक्टोरियल आंसर लग रहा था बट इसका पता नहीं। एक मिनट, थर्ड वाले का है, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विथ ऑड डिजिट्स 1 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन। तो इसमें तो वो है ना कि जैसे सबको यूज करना है ना, जैसे मान लो कि ये तो नहीं बोला है कि 5 डिजिट नंबर ही यूज करना है बनाना है, आप सिंगल डिजिट नंबर भी यूज बना सकते हो। तो सिंगल डिजिट नंबर जो होगा वो कितने होंगे, 5 होंगे। जैसे जो हमारे पास डिजिट्स है 1 3 5 7 9 है, ठीक है, तो इस पांचों में से कोई भी एक लेके उसको अब तुम 5P1 भी बोलो या सीधा सीधा 5 बोल दो, ठीक है। अब डबल डिजिट नंबर अगर हम बनाना चाहते हैं तो इसमें तो अरेंजमेंट होगा क्योंकि 1 3 और 3 1 दो अलग अलग नंबर हो गए, बात समझ में आ रही है। तो ये 5P2 हो गया, यानी कि 5 × 4 अगर हम
ट्रिपल डिजिट नंबर क्रिएट करें तो 5 × 4 × 3 विच इज 5P3। ठीक है, फिर अगर हम 4 डिजिट नंबर बनाना चाहें तो 5 × 4 × 3 × 2 5P4, और 5 डिजिट नंबर बनाना चाहें तो 5P5। तो ये सबको जोड़ दो, ठीक है सर, समझ आ गया। समझ आ गया। मतलब बेसिकली तुम्हें सारे ऑप्शंस बाकी तेरे सारे सामने। भी ऐड करने थे, मैंने खाली हाँ 5 डिजिट नंबर ही लिए। ठीक हाँ तो ऐसा तो बोला नहीं था ना कि केवल 5 डिजिट नंबर बनाओ। सर, इसके बाद एक 9th क्वेश्चन। नाइन्थ है, हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन सेंड इनविटेशन कार्ड टू 6 of his friend इफ ही हैज 4 servant टू डिस्ट्रीब्यूट द कार्ड। जैसे कभी ऐसा रहे ना, जैसे इसमें क्या है कि सर्वेंट्स है और फ्रेंड्स है, 6 फ्रेंड्स, ऐसे में क्या होता है कि इस तरह के प्रॉब्लम में ऐसा होता है कि आपका मतलब कोई भी अरेंज नहीं है। मतलब जैसे मान लो कि हम सर्वेंट वन को यूज करके हम ऑल 6 फ्रेंड्स को इनविटेशन दे सकते थे, सर्वेंट 2 से भी दे सकते थे, सर्वेंट 3 से भी दे सकते थे, सर्वेंट 4 से भी दे सकते थे। तो हम इसके बाद ये सोचते हैं कि फ्रेंड 1 को हम कितने तरीके से भेज सकते हैं। जैसे सर्वेंट यहाँ एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है, एक सर्वेंट कैन गो टू हिम एंड कैन गो टू हिम ऑल्सो, लेकिन जैसे फ्रेंड्स एग्जॉस्ट हो रहा है। फ्रेंड्स क्या क्या है कि पहला फ्रेंड को तुमने इनविटेशन भेज दिया चाहे किसी से भी, तो वो दोबारा इनविटेशन नहीं लेगा ना फ्रेंड्स को, तो एक बार में एक ही इनविटेशन जाएगा। तो जो एग्जॉस्ट हो रहा है ना उसके रेफरेंस में सोचते हैं हमेशा। यहाँ पे फ्रेंड्स एग्जॉस्ट हो रहा है, तो हमने बोला कि फ्रेंड वन को कितने तरीके से इन्विटेशन भेज सकते हैं, 4 तरीके से। फ्रेंड टू को कितने तरीके भेज सकते हैं, 4 तरीके से। फ्रेंड थ्री को कितने तरीके भेज सकते हैं, 4 तरीके से। ऐसे ऐसे करके इसका जो वो होगा 4 to the power 6। ठीक है, कि समझ में आया तुम्हें? हेलो, सर थोड़ा थोड़ा समझ आया। जैसे ऐसे समझो तुम, इस तरह का एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि 3 फ्रेंड है, ठीक है, 3 फ्रेंड है, 3 बच्चे हैं और 2 चॉकलेट है तुम्हारे पास। तो चॉकलेट जो है अलग अलग, जैसे 5 स्टार और नेस्ले, तो कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पूछा गया। तो यहाँ पे एक बंदा जो है वो 2 चॉकलेट ले सकता है, लेकिन एक ही चॉकलेट 2 बंदे के पास नहीं जाएगा। जैसे 5 स्टार जो है ना, वो या तो ए के पास जाएगा, या तो बी के पास जाएगा, तो सी के पास जाएगा, और नेस्ले भी या तो ए के पास जाएगा, तो 2 जगह नहीं जा सकता। लेकिन एक स्टूडेंट या एक बच्चा जो है कैन हैव टू, तो इसमें एग्जॉस्ट क्या हो रहा है चॉकलेट की, एक बार 5 स्टार चला गया तो दूसरा बार नहीं जाएगा। मतलब एक बार 5 स्टार अगर ए के पास चला गया तो बी के पास नहीं जाएगा। तो इसमें हमेशा हम एग्जॉस्ट जो होता है उसके रेफरेंस में काउंट करते हैं। जैसे मैंने बोला अच्छा, तो फिर कि सर इसमें 3 × 3 × 3 होगा मतलब। हाँ बस 2 ही बार ना, 2 ही चॉकलेट है ना, ओके अच्छा, पहले के लिए 3 ऑप्शन है, दूसरे के लिए भी 3 ऑप्शन है, तो 9। अब तुम बोलोगे कि 9 होता क्या है, मतलब हाउ डू वी सी 9। तो इसको देखने का तरीका ऐसा है कि हम तुमको एक मैप करके दिखा देते हैं। जैसे ए बी सी है, तो जैसे मान लो कि ये एफ इसके पास गया, एन इसके पास गया, ये 0,
फिर एफ इसके पास गया, ये जीरो मतलब ये एन इसके पास गया, जीरो मतलब नो चॉकलेट। फिर हमने बोला कि एन इसके पास गया, इसके पास नो चॉकलेट, इसके पास एफ। फिर हमने बोला कि एन इसके पास गया, इसके पास एक चॉकलेट, इसके पास नो चॉकलेट। फिर हमने बोला कि यहाँ पे नो चॉकलेट, यहाँ पे एफ, यहाँ एन, फिर यहाँ नो चॉकलेट, यहाँ एन, यहाँ एफ। अब दूसरा क्या कि दोनों मतलब जैसे ए के पास ही एफ और एन दोनों है, और इसके पास नो, इसके पास नो, फिर इसके पास नो, इसके पास एफ और एन दोनों है, और इसके पास नो। और कोई तरीका तो नहीं हो सकता बांटने का? हो सकता है, बड़ी तो 9 से ज्यादा नहीं हो गए? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने है। ऊपर तो वाला गिन लिया तो हमने ऊपर वाला क्यों गिन लिया, उस तो बच्चों का नाम लिखा हुआ है। सही तो ये 9 जो आया है ना, 3 पावर 3, वही चीज है, ऑल पॉसिबल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। टेंथ टेंथ है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 8 स्टूडेंट इफ ईच स्टूडेंट कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। हाँ, तो फिर ये भी वही बात हो गई, यहाँ पे क्या एग्जॉस्ट होगा बताओ, प्राइज की स्टूडेंट प्राइसेस प्राइजेस, प्राइसेस तो फर्स्ट प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके होंगे? 8 वेज 8 वेज, सेकंड को भी 8, तो 8 × 8^5 हो जाएगा इसका। ठीक बट है, इसमें एनी नंबर ऑफ प्राइसेस बोला है ना। हाँ मतलब उसी को तो ये मतलब है ना कि दोनों, एक स्टूडेंट कैन हैव दोनों चॉकलेट, तो वहां पे भी यही है कि एक स्टूडेंट कैन हैव ऑल द 5 प्राइजेस। अच्छा तो जैसे यहाँ पे पांचों, दोनों दोनों चॉकलेट एक को दे के दोनों को 0-0 कर दिया था, तो ऐसा भी हो सकता है कि पांचों एक को दे के बाकी सबको 0-0 कर सकते हैं। तो ठीक ये है बस ये समझना होता है कि विच विल बी एग्जॉस्ट। जैसे मान लो एक एक, एक फेवरेट को और भी क्वेश्चन है कि जैसे मान लो कि 8 पर्सन है और एक लिफ्ट पे बोर्ड की है सबसे नीचे, एंड देयर आर 9 फ्लोर्स। नाइन फ्लोर्स, तो इन हाउ मेनी वे 8 पर्सन विल गेट डाउन फ्रॉम लिफ्ट। तो इसमें क्या है कि इसमें कौन सा एग्जॉस्ट होगा बताओ, फ्लोर की पर्सन, हाँ सिर्फ क्वेश्चन रिपीट करना। ये है कि 8 बंदे जो हैं वो एक लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर पे चढ़े हुए हैं, ठीक है, देर आर 9 डिफरेंट फ्लोर्स अहेड। ठीक है, तो पूछा गया है कि इन हाउ मेनी वे 8 पर्सन कैन गेट डाउन फ्रॉम नाइन। सो इसमें तो पीपल एग्जॉस्ट होंगे ना। हाँ, कि आदमी एक बार उतर गया किसी फ्लोर पे तो दोबारा किसी पे नहीं उतरेगा ना उस पे, मतलब पर्सन ए कैन ड्रॉप मतलब कैन गेट आउट फ्रॉम लिफ्ट फ्रॉम एनी वन ऑफ द फ्लोर। ऐसा नहीं है कि 2 या 3 फ्लोर से निकलेगा, लेकिन एक फ्लोर कैन मतलब 9th फ्लोर पे 8 उतर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो एग्जॉस्ट क्या हो रहा है, पर्सन, तो एक पर्सन के लिए कितने ऑप्शन है, 9, फिर दूसरे के लिए कितने होंगे, 9, तो ऐसे करके 8 टाइम्स, तो 9 to the power 8 हो जाएगा। समझी बात, बोलो। ऐसा एक सिमिलर, पता नहीं मुझे नहीं पता कि ऐसा ही सिमिलर होगा या नहीं, बट एक क्वेश्चन पढ़ा था मैंने कि
ग्रुप ऑफ एट स्टूडेंट्स आर ट्रैवलिंग इन टू कार्स. वन कार हैज फाइव सीट्स एंड द अदर कार हैज फोर सीट्स. सो हाउ मेनी वेज कैन दे ट्रैवल? नहीं, ये वो सेम क्वेश्चन नहीं हुआ ना, क्योंकि उसमें लिमिटेड सीट्स है, फाइव है और एक में फोर है. बट उसमें भी तो फिर टोटल तो नाइन बन रहे हैं ना, और एट स्टूडेंट्स है. तो ऐसा नहीं है ना कि सीट्स जो है जो सी, या मतलब यहाँ पे दोनों फिक्स है ना, एक सीट पे एक ही आदमी बैठ सकता है. हाँ. तो सीट भी एग्जॉस्ट हो रहा है और आदमी भी एक ही सीट पे बैठ सकता है. अच्छा ठीक है. तो यहाँ पे तो ये चीज हो गया कि यहाँ पे पांच का सीट है, यहाँ पे चार का है और आठ लोग है. तो पहले तो तुम क्या करो, आठ में से पांच लोग सेलेक्ट कर लो, एट सी फाइव, और जो बच गया उसको यहाँ बैठा दो. तो बात समझ आ रही है? तो जो ये तरीका है इतना ही हमें काउंट करना है. ठीक. या फिर ऐसा हो सकता था, नहीं एक तो ये हो गया कि या तो पांचों यहाँ बैठा दिए, या ऐसा हो सकता था कि यहाँ चार ही बैठा है और यहाँ चार बैठा है. हाँ. तो प्लस में एक वो भी हो जाएगा, एट सी फोर भी. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट बोलो. सर ट्वेल्थ बोलता है, इन हाउ मेनी वेज फाइव चॉकलेट्स कैन बी चूजन फ्रॉम द अनलिमिटेड नंबर ऑफ कैडबरी. तो ये तो वही हो गया ना, जैसे अनलिमिटेड नंबर है कैडबरी. अनलिमिटेड है. हाँ, तो पांच ही चॉकलेट चुनना है. तो पहले के लिए कितने ऑप्शन है? तीन. तीन. दूसरे के लिए भी तीन. अच्छा ठीक है, अगर तो थ्री थ्री टू इंटू पाव थ्री फाइव हो इंटू जाए. ठीक है. सो बट थ्री इंटू थ्री तो 27 नहीं होगा? पांच बार मल्टीप्लाई होगा ना, पांच चॉकलेट सेलेक्ट करना है. ठीक है. सर 13 का एक बार बता दो. हाउ मेनी मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर कैन प्लेट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द सर मुझे डिजिट. बस इसमें ये पूछना है कि इसमें जो 5 डिजिट्स 1 टू 5 डिजिट्स लिखा है, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर में या तो 5 डिजिट्स भी हो सकते हैं, या फिर 4 भी हो सकते हैं, या फिर 3 भी हो सकते हैं, ये बोल रहा है. तो वही 325 सेम आ जाएगा ना जो हमने किया अच्छा, वो था अभी. ऐड करेंगे. हाँ ठीक है, मैंने 120 इसमें ऐड नहीं किया. ठीक है. इसके बाद सर एक बार 16th क्वेश्चन. 16th है, हाउ मेनी नंबर ऑफ फोर डिजिट कैन बी फॉर्म्ड विथ 0, 1, 2, 3 रिपीटेशन ऑफ डिजिट बीइंग अलाउड. है ना, तो रिपीटेशन अलाउड है और 0, 1, 2, 3 है. तो जैसे मान लो कि फोर डिजिट नंबर है ना, तो हमारे पास फोर प्लेसेस टू फिल है, ऐसा बात हो गया. तो जैसे पहले वाले पे हम कितने रख सकते हैं? तीन रख सकते हैं. तीन. दूसरे वाले पे चार. चार. तीसरे पे चार. और चौथे पे चार. तो यही हो सर जाएगा. यही आंसर, लेकिन पीछे शायद हाँ. आंसर गलत दे दिया था. नहीं नहीं मैंने यही आंसर होगा, यही किया था, 192 ही किया था मैंने आंसर. वही होगा, वही होगा. ठीक है. रिपीटेशन बीइंग अलाउड है ना. यस सर. और सर 17th का क्वेश्चन का मैंने ए मार्क किया था, बट वो गलत है पीछे. 17 का. हाँ, 17 का वो है, 17 में कुछ गलती है इसमें, ए लेकिन ऑप्शन ने, नहीं ए नहीं होगा, दिस माइनस वन होगा, सर. क्यों? क्योंकि न्यू लेटर है, न्यू वर्ड्स है ना, तो एक जो परमुटेशन है वो हटाना पड़ेगा. अच्छा ठीक है. न्यू तो वर्ड्स सर के इसमें लिए. नन ऑफ दीज होगा ना फिर? हाँ. अच्छा ठीक है. सर मैं समझा दूँ कि इसके आगे मेरा अटेम्प्ट है. परमुटेशन हटाना पड़ेगा मतलब. मतलब जैसे जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं वो तो बन रहे हैं 11 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल. ठीक है, हाँ. इन वर्ड्स में से एक वो भी तो वर्ड था जो परमुटेशन है, अच्छा तो बोला न्यू वर्ड.
तो इसको हटाना है तो एक माइनस कर देंगे। ठीक सर, एक और कोई शीट थी पी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, उसमें एक क्वेश्चन 8 था जिसमें अप्लाइड वगैरह के भी क्वेश्चंस थे शायद। तो कहाँ पे है? सर इसीलिए ये पीएनसी की है ना, जो लेवल 2 के साइड वाली जो है। हाँ ये वाला इसका क्वेश्चन 8। अ पर्सन हैज 4 पॉइंट्स इफ डिफरेंट डोमिनोज़ व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट सम ऑफ मनी द पर्सन कैन फॉर्म। Is number of different sums of money the person can form. ये तो थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चन है। क्वेश्चन यस सर, इसमें 4 क्वेश्चन कॉइंस जो दे रखे हैं वो कितनी वैल्यू के वो तो बताया ही नहीं। हाँ, क्योंकि अगर दो वैल्यू मिलके तीसरी के बराबर हो तो फिर पहला दोनों और तीसरा तो अलग अलग होगा। सर और ये भी तो होगा कि सम भी डिफरेंट होता जाएगा डिनोमिनेशन के हिसाब से। हाँ, इसको छोड़ दो। ठीक है सर। और कोई सर इसके अप्लाइड वाले तो नहीं करने थे ना, क्योंकि वो बहुत समझ ही नहीं आ रहे, तो हाँ छोड़ दो, छोड़ दो। अप्लाइड छोड़ दिया जाओ। सब पीएनसी के लिए कौन कौन से बेसिक करने की जरूरत है एक बार वो शीट्स बता दो एक बार, क्योंकि वही एक ही सीट काफी है, मतलब ये जैसे इसमें से भी ये तो थोड़ा टिपिकल ही है। हाँ ये मॉडर्न मैथ 1 वाली सर। क्योंकि पीएनसी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है तो जो हाँ बेसिक बेसिक होगा वही वही कर लेते हैं। तो बस मॉडर्न मैथ 1 वाली कर ले सर, लेवल 1 वाली। थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेता ना। तो पढ़ा तो समझ ही नहीं आया क्या हुआ इससे। सर भाई अच्छा, क्योंकि पीएनसी के क्वेश्चन ओरिजिनली इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, समझ ही नहीं आते, कंफ्यूजन इतना आएगा नहीं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। होती है। प्रोबेबिलिटी वाला देखे नहीं सर मैं तो अभी पीएनसी तो, के क्योंकि 15 क्वेश्चन ही पीएनसी किए के थे। बिना प्रोबेबिलिटी नहीं होता ना, तो फिर ऐसा नहीं है, पीएनसी काउंटिंग काउंटिंग के लिए जरूरत पड़ती है, मतलब अगर आप बिना सर, बट प्रोबेबिलिटी लेकिन कंसेप्ट तो चाहिए ही होता है पीएनसी का, हाँ तो पहले पीएनसी कर रहे थे, मैं भी बिना पीएनसी वैसे ही पीएनसी कर रही का, थी। बिना पीएनसी के काउंट कर सको तो प्रोबेबिलिटी ऐसे भी बन जाएगा। बट करना तो दोनों ही पड़ेंगे थोड़े थोड़े, इसलिए पहले पीएनसी इस कर रहे बेसिक हैं। आइडिया तो होना ही चाहिए ना सर। ठीक है, और बताओ। सर बाकी तो अभी अटेम्प्ट ही किए मैंने, शीट तो बाकी स्टार्ट ही लोग करी रुचि, थी। सानिया, गौरिका, सॉरी रीजनिंग की सॉरी तो आपने रीजनिंग की शीट भेजी थी दूसरी वाली, उसमें 2-3 क्वेश्चंस थे स्टार्टिंग में जो समझ नहीं आए थे। एक मिनट। कहाँ पे होगा वो? सो आपने व्हाट्सएप पे भेजा था, मैं खोल के बताऊं क्या आपको क्वेश्चन। नहीं, इसमें भी तो होगा ना। इसमें अलग से शायद दे रखा है, मिक्स का एक अलग से फोल्डर है बनाया ना, हुआ है या उसमें। एक मिक्स रीजनिंग। हाँ, मिक्स का अलग से ही बनाया होगा, और ये यहाँ पे भी कॉपीड है, यही वाला सो ना। ये वाली जो नहीं है दूसरी है वो। अरे यही होगा मिक्स हाँ रीजनिंग ये नहीं तो। सर, ये वाली नहीं है। तो फिर 3 है क्या? नहीं आपने एक अलग से, आपने 2 बनाई थी ना, एक मिक्स्ड जिसमें क्वांट की मिक्स्ड है और अच्छा अच्छा ऐसी एक अच्छा अच्छा रीजनिंग अच्छा की बनाई है, तो वो वाली वो किस फोल्डर में है? उसमें मिल जाएगा। वो पता नहीं सर, आपने व्हाट्सएप पे भेजी थी तो मैं खोल के बता सकती हूँ। एक मिनट रुको तो सही, इसमें होगा फिर।
ये होगा ये तो क्वांट की है ना सर, वो रीजनिंग वाली है। इसमें नीचे नहीं है क्या सर, लास्ट वाली रीजनिंग ये की है। हाँ ये वाली है सर। हाँ कौन तो सा वाला इसमें? इसमें क्वेश्चन थ्री कैसे सॉल्व होगा, मतलब इसका आंसर 12 होना चाहिए क्योंकि इसमें आंसर डी नहीं है, तो मुझे पक्का पता नहीं चल रहा था कि सही है या नहीं। एक मिनट, इसमें तो 2 1 2 3 2 6 फिर 2 ही आ जाना चाहिए था हाँ बट वो अल्टीमेट। ऑप्शंस में नहीं है तो फिर अच्छा तो ठीक नहीं, ये कुछ गड़बड़ होगा फिर, या फिर क्या हो सकता है? समझ। तो होना तो 2 ही चाहिए क्योंकि अगर आप दूसरे तरीके से भी देखो कि 2 into 1 2 होता है और फिर थ्री फिर इंटू टू 6 होता है, तो फिर 6 into 2 12 होना चाहिए ना, तो वो 2 का तो कहीं से ऑप्शन आ ही नहीं रहा। चल छोड़ दो इसको, फिर नेक्स्ट बताओ। क्वेश्चन 4 भी ऐसा था कि समझ नहीं आ रहा कैसे सॉल्व होगा। उसका आंसर तो 0 लग रहा है बट 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, तो बहुत कंफ्यूजिंग है। सर इसका आंसर 4 होगा, थर्ड वाले का। कैसे? हाँ जैसे 2 into 1 2 हुआ, तो नेक्स्ट वाला जो इन्होंने पेयर चूज किया है वो 2 और 1 का नेक्स्ट नंबर्स चूज करे हैं, तो 2 का हो गया नेक्स्ट 3 और 1 का नेक्स्ट हो गया 2, तो 3 into 2 6 हुआ। तो अब जो नेक्स्ट पेयर जो हमारा बनेगा वो 4 और 3 का बनेगा, तो 4 into 3 12 बनेगा, तो जो नेक्स्ट 6 इतना का नंबर होगा वो 4 होगा। कौन सोचेगा? सर मेरे हाँ को तो मुझे मजा तो अभी तो आया। समझ भी नहीं आया क्या मुझे, एक बार फिर से समझा दो प्लीज। देखो जैसे फर्स्ट टू टू और वन का पेयर लिया ना हमने, तो टू हाँ इंटू वन टू हुआ, थर्ड नंबर 2 हो गया। हाँ टू और वन का जो पेयर लिया था उसके नेक्स्ट नंबर्स चूज करने हैं, जैसे